नमस्ते, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे। और आज का दिन है जो हम एक मस्त वाली लंबी वाली ट्रिप में जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं मैं बता देती हूँ। ये ना जनरली हिल स्टेशन जो है, जो हिल स्टेशन लवर्स होते हैं उनकी मतलब ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। तो यस, हम लोग मुन्नार जा रहे हैं। मुन्नार जाएंगे, मुन्नार से लंबा वाला ट्रिप होने वाला है ये केरला का। एंड देर आर सो मेनी प्लेसेस वी आर गोइंग टू कवर। तो चलिए फटाफट, एनी विदाउट एनी डिलेज हम चलते हैं। हाँ, इस वीडियो से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि केरला का रोड ट्रिप बेसिकली कैसे प्लान करना है, कौन कौन सी जगह, कौन कौन से होटल्स, क्या प्राइसिंग है इस ट्रिप के। साथ ही मैं डिटेल आइटिनरी भी आपके साथ इस ट्रिप के एंड पे शेयर करूंगी, क्या एक्सपेंसेस आए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास अवेलेबल रहेंगे वंस यू फिनिश वॉचिंग ऑल दी वीडियोज, है ना। एक ये है, और ये देखिए, जब भी मुझे कुछ कंफर्टेबल और लंबी जर्नी करनी होती है तो आयुष संहिताज का ये कुर्ती ना काफी कंफर्टेबल है, काफी रिलैक्सिंग है। और बस क्योंकि जर्नी कुछ 10 साढ़े 10 घंटे की लंबी वाली होने वाली है तो इसीलिए कुछ कंफर्टेबल पहनना बहुत जरूरी था। तो यस, दिस कुर्ती फ्रॉम संहिताज इज अ गुड वन। एंड ही लाइट वेट कुर्तीज पसंद करते हो तो आई विल सजेस्ट एंड आई विल रिकमेंड संहिताज। तो चलो फटाफट हमारे रोड ट्रिप पे हमारे साथ बने रहिएगा। एंड लव यू ऑल अ लॉट। सो देखिए, मस्त वाली पैकिंग इस बार की है हमने। सफिशियंट खाने वाने का आइटम भी रख लिया है विथ लॉट्स ऑफ कपड़ा। सो टाइम हो चुका है 5 और हम निकल रहे हैं फटाफट। हमारे होसुर रोड का पहला टॉल हमने क्रॉस कर लिया है और अर्ली मॉर्निंग ड्राइव, बट लोग काफी दिख रहे हैं रोड पे स्टिल। Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load. So, टाइम हो रहा है कुछ 6:15 और सेलम यहाँ से 120 किलोमीटर्स है। सबको हमारा गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है कुछ 7, मतलब 6:50 ही हुआ है। मिस्टर डी के क्विक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम बस 50 किलोमीटर्स में सेलम पहुंच जाएंगे एंड मिस्टर डी के पूरा फोकस ड्राइविंग करने में एकदम लगे हुए हैं और एकदम आज हम लोग को मुन्नार ऑन टाइम पहुंचा देना है। सो बेसिकली ये जो हमारी डे वन की जर्नी है ना, दिस विल बी टिल मुन्नार, है ना। हम आज मुन्नार जा रहे हैं, कल मुन्नार में ही रुकेंगे, वहां की जगह जो भी अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड मुन्नार इज सो ब्यूटिफुल यार, मतलब केरला गॉड्स ओन कंट्री। अब तक तो हम वायनाड बस एक बार गए थे और उसके बाद ये मुन्नार जा रहे हैं, तो दिस इज द सेकेंड टाइम विल बी टचिंग केरला। और इस बार केरला को हम अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। इट्स नॉट दैट कि एक जगह घूम के आ गए हैं ना। सो बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूरे जर्नी के लिए। रोड्स काफी अच्छे मिल रहे हैं अब तक तो, सेलम आने वाला है। एंड अभी भी बादलों में छुपा हुआ है और सामने ना ये मस्त वाला पहाड़, देखिए विमान मस्त वाला सोया हुआ है। जब जितना ज्यादा हो सकता है ड्राइव खींच लेते हैं, नहीं तो फिर एक बार उठेगा ना तो फिर धमाका मचाएगा। और हाँ, हम लोग सेलम क्रॉस कर रहे हैं। वी आर हियर, 7:49 हुआ है और सेलम पहुंच चुके हैं। अभी तक तो सारी चीजें ट्रैक पे बता रही हैं। Keep your feels bottled up inside. Head in for collision.
बेसिकली ये जो राउंड अबाउट करके हम वो जो स्ट्रेच पे है ना, ये NH544 पे हम आ गए हैं. NH44 अभी पीछे रह गया है एंड वी आर ऑन NH544 एज ऑफ नाउ. से हमने कट लिया और यहीं पे जस्ट आपको मेन हाईवे पे ही मिलेगा ये सरवना भवन. सो फटाफट कुछ ग्रैब करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे. तो ये हमारी यमी सी ब्रेकफास्ट सरवना भवन की. एंड सो मिस्टर डीके, रेडी टू बिंज ऑन तमिल स्टाइल फूड. आपकी हंसी सारी चीज बता रही है. डक राइड कर रहा है, डक राइड. मिस्टर डीके, हाउ वाज द फूड? ऑसम. अच्छा लगा? तमिलनाडु का फूड तो अच्छा होता ही है. खटापन रहता है, उसी को तो हम लोग मिस करते हैं. वही वही वो इडली एंड सांबर और डोसा वाज वेरी टेस्टी ना. सो ना ओवरऑल खाना वाज यमी. यहाँ पे नाश्ता बहुत ही मजेदार था. अब हम फटाफट यहाँ से निकलेंगे. अभी अभी जस्ट जो पुल क्रॉस हुआ ना वो कावेरी रिवर था. हमारी जर्नी जो है कुछ अराउंड 189 किलोमीटर की बाकी है और 5 घंटा 1 मिनट टाइम दिखा रहा. अभी टाइम हुआ है कुछ 10. सो 10 AM हो चुका है. सो ये डाइवर्शन हमें प्रॉम्प्ट किया है GPS ने और 900 मीटर के बाद हमें ना एक गोल चक्कर से लेफ्ट ले लेना है ना, जिसके बाद हम लोग मंगलम तिरुपुर हाईवे पे मर्ज हो जाएंगे. तो हमने ये जो बगल में जो फ्लाईओवर जा रहा ना इसको छोड़ दिया और एक ब्रेक थ्रू था. तो हम आगे से अब ये वाला जो लेफ्ट प्रॉम्प्ट कर रही है GPS, आगे से वो लेफ्ट लेने वाले हैं. ओ, हम जो है ना उदमालपेट पलादम वाले रोड पे हैं और यहाँ से कुछ हमारी GPS 142 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिखा रही है जो हमारा मुन्नार में रिजॉर्ट हमने बुक किया है. और वही है कि उदमालपेट अराउंड 45 किलोमीटर पे यहाँ से आ जाएगा. तो अभी हम उदमालपेट पलादम रोड में हैं. ड्राइव बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छे हैं, मजा आ रहा है. एंड अनदर 140 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स कवर करने हैं हमें. सो यस, जस्ट वेटिंग टू सी द घाट सेक्शन, द ब्यूटीफुल मुन्नार. यार इतने पास से मैंने कभी नहीं देखा था. बहुत सारी विंड मिल्स है, रोड के इस तरफ भी है, राइट लेफ्ट दोनों साइड पे मुझे दिख रही है. अभी सामने से पहली बार देखे ना चिट्टू. हाँ हाँ हाँ, हम लोग तरफ यूजुअली नहीं होता है. तो हमको लगता था ना ऐसे छोटा पंखे के साइज का होता है. एक तो आप हाँ. मतलब ये मिथ बस्ट किए मेरा कि उतना लंबा लंबा ब्लेड. तो हमको लगता वो कुछ ना शिप या जहाज का कुछ रहता था. बाद में आपने बताया कि वो बेसिकली विंडमिल का एक एक पंखा पंखी होता है जो उतना बड़ा होता है. बाबू एक आध दो विंडमिल हमको भी ले दीजिए ना. क्या करोगी ये सब चीज अपने नाम पे एक होना चाहिए ना. करेंगे क्या विंडमिल ये सब चीज अपने नाम पे. अच्छा नहीं ठीक है चलिए. अच्छा आपको विवान से बहुत प्यार है, विवान के नाम पे एक ले दीजिए. खाली हंसने से काम नहीं चलेगा, सौदा खरा खरा. बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे. सारा कर देते हैं का क्या. बाप रे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए आप तो. साहब कब से सामने देखने के लिए परेशान हो रही थी मैं इसे देखिए. और कितने स्पीड में घूम रहा है, हवा से ही घूम रहा है या इसके अंदर कोई मोटर वोटर लगा रहता है चिट्टू? नहीं नहीं हवा से घूमता है भाई. ओ माय वाओ, एंड लुक एट द विंग्स. वो जो बड़े बड़े विंग्स लेकर आते, इट्स मेड इन सच अ वे. लगता है मार्केट है प्रॉपर
तिरुपुर रोड करके लिखा हुआ है और राइट दिखा रहा है, उदमालपेट टर्न हमने ले लिया है। सो हमें जीपीएस आंटी ने राइट टर्न लेने को बोला, बट वहाँ से राइट टर्न अलाउड नहीं था, तो हम ये गुलचक्कर से प्रॉपरली घूम कर राइट टर्न लेंगे। सो बस हम थोड़ा आगे से जाके यू टर्न करके आके और वो लेफ्ट ले लेंगे जो हमें जीपीएस आंटी प्रॉम्प्ट कर रही थी। ये रहा मुन्नार 88, अमरावती डैम 21, तिरुमूर्ति हिल्स 21, कोयम्बटोर 69, है ना। और ये जो आगे सिग्नल दिख रहा है ना, जस्ट हमको वहीं से लेफ्ट लेना है। भाई रोड बहुत अच्छे थे इस पूरे रूट का, मतलब रोड का तो क्या ही कहना, हमें कुछ पता ही नहीं चला। यार एक चीज का मुझे कंप्लेन है, तब से हम लोग ना देर से नारियल पानी खोज रहे, मिल ही नहीं रहा इस रूट पे। एक मिला था वो भी मिस कर गए मुश्किल से, है ना। नारियल पानी पीने में मजा आता है और देखिए वही नहीं मिल रहा है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहीं तो भाई दिख जाओ तो थोड़ा गटक ले नारियल पानी, है ना। बट नंदलेस ऐसे रास्ते तो इतने अच्छे थे ना यार, मैं क्या ही बोलूं, रूट्स आर अमेजिंग। अब तक तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आगे देखते हैं, लेट्स सी। सो फाइनली हम यहाँ रुके हैं नारियल पानी के लिए। आंटी के पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े नारियल दिख रहे हैं, हरे हरे रंग के, सी, है ना। तो बस पियेंगे और फिर बाकी की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मुन्नार 78 किलोमीटर्स, मुन्नार से कुछ 75 किलोमीटर्स पहले हम इस छोटे से कैफे में रुके हैं और यहाँ मील्स वगैरह ग्रैब करेंगे और विवान का खाना वगैरह करवा करके फिर यहाँ से निकलेंगे। खाना हमने अच्छे से खा लिया है, सिंगल लेन रोड है तो यहाँ थोड़ा फोकस्ड अच्छे से ड्राइव करना पड़ेगा। और ये देखिए कुछ हम जा रहे हैं दो गाड़ियों को एक साथ क्रॉस करने में ना यहाँ पे टाइम लगेगा। सो धीरज बाबू जा रहे हैं, ये पहला चेक पोस्ट आ चुका है ना। और ये टीएन की जो ये गाड़ी है ना, काफी बीच बीच में हमें बहुत बार मिली यार, और शायद ये लोग भी मुन्नार ही जा रहे हैं। यार बड़ा अच्छा वाइब आ रहा है, सामने तो फॉरेस्ट दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। चलिए चलते हैं। तब कहाँ पे है गाड़ी आता है? वही वही वही, मेरे लिए तो अन्नमलाई टाइगर रिजर्व, वही वही। The white knuckles holding on a tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night. भाई साहब, so धीरज बाबू कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक? मस्त लग रहा ना? Yes. ये सब भी एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में, इस तरह के रास्तों पर ड्राइव करने का ना। Wow. What a beauty. देखो छोटा कैक्टस, बट कैक्टस तो ये देखो छोटा कैक्टस, हाँ है छोटे छोटे लेकिन वो बड़ा हो गया है। इस वाला कॉम्बिनेशन है ग्रीनरी एंड जो हिल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आर्टिस्ट की विवान मस्त वाला सो गया है, उसको जनरली थोड़ा सा ना मोशन सिकनेस हो जाता है कभी कभी, तो लकली आज हम लोग बचे हुए हैं और वो सही समय पे सो गया है। तो हम ना ये जो 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, आराम से ही जाएंगे। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू रश, क्योंकि घाटी में चलाना यू हैव टू बी वेरी, मतलब ये बहुत ही पतला रोड है यार, बहुत आराम से यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा। सो यस, तो एंजॉय भी करते चल रहे हैं और थोड़ा रास्ता भी कवर होते जाएगा। आई एम सुपर हैप्पी लुकिंग एट दिस प्लेस, मस्त है, पोस्ट है। देखिए धीरज बाबू गए वॉलेट लेकर के और कुछ फॉर्मेलिटीज होगी हम वो करेंगे। थिंक यू विल हैव टू पे मुन्नार 69 या 59 आई एम ग्लैड सर, वी हैव टू स्टॉप नेक्स्ट, आई थिंक सो दे विल एक्सपेक्ट यू टू स्टॉप हियर। सी वी आर एंटरिंग इनटू केरला एक्चुअली, वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री। सो वेलकम टू
बहुत सुन कंट्री मुन्नार यहाँ से कुछ 57 किलोमीटर है। अरे वाह, सबरीमाला भी इधर ही आता है यार, लेकिन सबरीमाला कुछ अराउंड 259 किलोमीटर है। सो बस हमारा मुन्नार तो अब 57 किलोमीटर में आ जाएगा। बाय द वे, सबरीमाला में ना मतलब उस जगह की बहुत मान्यता है, वहाँ पे अयप्पा स्वामी स्थापित हैं, और ये इसका जो मतलब पूरा ये होता है ना फास्टिंग, और जो मतलब जितने भी रिचुअल्स होते हैं बहुत टफ होते हैं। आप खाली पैर रहते हो जितने दिन करते हो, काले कपड़ों में रहते हो, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन लॉट्स ऑफ टर्म, ईटिंग एनी काइंड ऑफ हैबिट, है ना। तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट इसके रिचुअल्स होते हैं, और फिर जब एंड में खत्म करने का टाइम आता है ना पूजा को संपन्न करने का, तो लोग सबरीमाला में आके दर्शन करके ही फिर इस फेस्टिवल का फास्टिंग मतलब जो भी रिचुअल्स करते आए हैं उसको तोड़ते हैं। बहुत अच्छा, मतलब अयप्पा स्वामी का ना, हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे मुझे याद है MBA के डेज में, तो वहाँ बगल में ही हमारे अयप्पा स्वामी का मंदिर था। बहुत ही नियम और अच्छे से मतलब वहाँ पे पूजा होती है, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके। एंड डोंट टेल मी वी आर इन फॉर अनदर चेक पोस्ट। बाय द वे, हमारी जो डेस्टिनेशन है ना इस पर्टिकुलर पोस्ट से, जो आई थिंक ये हमारा फोर्थ चेक पोस्ट है जो हम अभी क्रॉस करने वाले हैं, तो इस जगह से कुछ 66 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारे रिजॉर्ट को रहेगा। पे किया और आई थिंक बस हम जाएंगे अब यहाँ से, निकलते हैं। होपफुली ये हमारा लास्ट आज का चेक पोस्ट हो, है ना। चलिए अब मजे उठाएंगे। सो हम एंटर कर रहे हैं चिनार वाइल्ड लाइफ। अच्छा, वो अन्नामलाई खत्म हो गया केरला में, दिस इज चिनार। हुआ क्या ना, एक वाइल्ड लाइफ में जंगल में घुसने का अपना एंट्री एग्जिट हर जगह का, राइट। सबसे पहले तमिलनाडु जंगल में एंट्री एग्जिट का था, अच्छा। उसके बाद केरला स्टेट, उसके बाद फिर चिनार वाइल्ड लाइफ में एंट्री का था, अच्छा। इसलिए अलग अलग, मे बी केरला वाले दोनों को मर्ज कर सकते थे वो लोग, सेम इन्फॉर्मेशन दे आस्क्ड एक्चुअली, अच्छा। व्हीकल नंबर, नेम, सिग्नेचर, हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम वेयर टू वेयर, सेम इन्फॉर्मेशन, दे कुड हैव क्लब टुगेदर बोथ द थिंग्स। ओके ओके, सो दिस इज योर ये दूसरा तरह का मंकी। हाँ मंकी, लेकिन भाई यहाँ एक बार आ चुका है तो बता रहा था ना कि आगे जाके फिर रोड ठीक हो जाती है। आने का मैं बस यही एक चीज नोटिस कर रही हूँ ना कि मतलब रोड से ना कहीं कहीं एकदम सटा हुआ और एकदम खाई है, तो अगर आप लोग यहाँ इस रोड पे आने का प्लान करते हो ना तो ट्राई टू गो अपहिल लाइक इन डे टाइम इटसेल्फ, अपना दिन के दिन निकल लीजिएगा ना, तो आपको एक आइडिया भी रहता है कि कैसा है, क्योंकि देखिए आप इमीडिएटली लेफ्ट पे देखोगे और वो एकदम नीचे खाई है। ये देखिए ये मस्त वाले खाई में, देखिए इतना ऊंचा पे है ना, ये पहाड़ का आपको दिखा दिया मैंने जो ये एंड है, और ये देखिए यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल्स दिख रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे कैमरा का तो नहीं पता, मुझे देख के बहुत सुंदर लग रहा है। एक मरयूर करके जगह है जो कि 4 किलोमीटर्स पे दिखा रहा था, एंड मुन्नार इज अनदर 44 किलोमीटर्स। बेसिकली ये सैंडल रिजर्व है, इसीलिए पूरा घेर रखा है इसे जालियों से दोनों तरफ। और देखिए ब्यूटी इस जगह की, कितना प्यारा सा वॉटरफॉल, एक स्ट्रीम है लेकिन काफी ऊपर से आ रहा है, देखिए
काफी ऊंची जगह से आ रहा है। एंड ये देखिए सन कुछ इस तरह बादलों के अंदर छुपा हुआ है ना, बहुत खूबसूरत है यार केरला, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मजा आ रहा है जो इस ड्राइव का। कॉफी पियेंगे और फिर यहाँ से बाकी की जर्नी के लिए प्रोसीड करेंगे। चाय मिलता है तो चाय पीऊंगी, कॉफी मिलेगा तो कॉफी पी लूंगी। सो एनी विच वेज इट वर्क, हालांकि कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना खूबसूरत सा ये जगह है, मतलब आप आइए यहाँ की ब्यूटी को फील करने के लिए, है ना। यस मस्त वाला ये रिफ्रेशिंग जो वाटरफॉल का पानी था ना, उसमें फेस वेस धो लिया, इतना अच्छा लगा, सारी मतलब थकान दूर हो गई। एंड वैसे थके तो नहीं थे ज्यादा टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा जा रहा। ब्यूटीफुल टी स्टेट्स देखने चालू हो गए। बाय द वे चेन्नई एक्सप्रेस का कश्मीर में तू कन्याकुमारी जो गाना है ना, वो मुन्नार में भी शूट हुआ है। सो बहुत ब्यूटीफुल जगह पे शूट किया गया है उसे, और एकदम जो बोलते हैं ना ग्रीन कलर की मखमली चादर से छुपा हुआ ये जगह है। अभी लग रहा है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण वो गाने में जीप में नजर आएंगे, है ना। और ये देखिए एक ऊपर में मुझे और वाटरफॉल दिख रहा है। Look at this beautiful sky, sun, the mountain and this tea garden, so beautiful. टाइम हो रहा है कुछ 4:49 और पहुंच जाएंगे हम थोड़ी देर में। सो वो जो टी गार्डन में आंटी लोग काम करती है, उन सबको लगता है ये ट्रक में लेकर जा रहे हैं ना इनके घर पे ड्रॉप करने के लिए, वो लोग लिफ्ट मांगी है, लिफ्ट। अच्छा, दैट इज वेरी स्वीट। पैदल जा रहे थे वो लोग। अच्छा वो मेजर कर रहे हैं क्या? अच्छा यहाँ से फैक्ट्री में जो भी कटाई हुआ है वो। पांच बज चुका है और आप देखो ये मस्त मस्त मिस्टी मिस्टी क्लाउड्स मुन्नार के नीचे उतर रहे हैं, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ 20-25 किलोमीटर्स का हमारा रास्ता है। इधर पूरा मिस्ट है चिट्टू। तो देखिए पूरा खूबसूरत सा। In 500 meters, इसी या तो वेट कर रही थी मैं कि दिस इज द एक्चुअल मुन्नार। बहुत सुंदर लग रहा है। So, मुन्नार आओगे तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि टाइम के बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि हमें ये लास्ट 80-90 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करने के लिए ना ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लगे हैं। रास्ते में आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन मिलेगी ना कि आप रुकने के लिए मजबूर हो जाओगे, देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। वाटरफॉल्स हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैं, इस तरह की टी स्टेट्स हैं। तो बस यही बोलूंगी कि टाइम को लेकर आप टेंस्ड मत होना। यार
यार मुन्नार की ब्यूटी में तो मैं लॉस्ट हो गई हूँ। इतना ब्यूटीफुल है ये जगह, एकदम जन्नत है जन्नत। टी म्यूजियम का तो यहीं पे डिस्प्ले था, वेलकम टू टी म्यूजियम इन 3 किलोमीटर्स। सो ये हम मुन्नार के मार्केट में एंटर करते हुए, और हमारा जो रिजॉर्ट है वो है मॉनसून ग्रैंड, जो कि यहाँ से कुछ और दूरी पर है, अराउंड 10 किलोमीटर्स। फटाफट हम निकलेंगे यहाँ से। भाई साहब जन्नत जन्नत में जा रहे हैं हम, स्ट्रेट ऑफ में सिर्फ फॉग, ये धुआं धुआं सा रहने दो। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। शाम के 6:15 हैं, थोड़ा हम धीरे धीरे आराम से ड्राइव करते हुए आए, एंड लुक एट पीपल, दे आर स्टिल एंजॉयिंग द आउटिंग। पूरा फॉग है, देखिए कुछ नहीं दिख रहा है नीचे। ये माउंटेन माउंटेन, पूरा वैली वैली सब छुप गया। हम लोग जल्दी आते हैं ना जीटू, तो ये जो ये है ना मिस्ट है, फॉग है, ये बहुत मिस करते हैं। तो 1/2 किलोमीटर में हम अपने रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। और आइए चलिए फटाफट मैं आपको एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ। सो ये होटल का नाम मॉनसून ग्रैंड है। ये किंग साइज बेड प्रोवाइडेड हैं, बेड साइड टेबल हैं, शेल्फ ये डिसेंट सा है, मतलब अच्छा खासा बड़ा शेल्फ दिया है, हैंगर वेंगर हैं इसमें, और इट लुक्स गुड। सो ठीक ठाक है शेल्फ, और मिरर वगैरह भी बहुत अच्छा सा दे रखा है। मिरर है, टीवी है, और मतलब वो पानी वानी गर्म करने के आइटम्स भी दे रखे हैं। ये रहा वॉशरूम, प्रॉपर्टी एकदम नीट क्लीन और हाइजीनिक है। बजट में था, हमने यही ऑप्ट किया क्योंकि अवेलेबल भी नहीं थे और कहीं जगह पे। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन। ये प्यारी सी बालकनी है, आप सुबह बैठ के चाय का मज़ा उठा सकते हो यहाँ। खैर अभी तो सब कुछ मतलब सामने मिस्ट में छुपा हुआ है, और इस वाले साइड से ना आपको बैक में टी स्टेट दिखेगी, है ना। ये कुछ रूम का ओवरव्यू है। फैन इज मोर देन एनफ, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस रूम में। सो चलिए हम फटाफट आज के लिए यही साइन आउट करते हैं। आपको एक रूम का व्यू दे दिया। इस प्रॉपर्टी का नाम है मॉनसून ग्रैंड, एंड काफी लोकेशन इसकी काफी अच्छी थी, तो बुक करने का एक रीजन ये था, और डिसेंट हमारे बजट फ्रेंडली था। तो वो तो सारी डिटेल्स मैं एनीवे इस ट्रिप के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉस्ट केम अप टू। और हमने booking.com के थ्रू ये प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट किया था। सो मैं जरूर यहाँ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आज का डे वन मुन्नार तक का जो हमारा रोड ट्रिप था, जो जर्नी था, ब्यूटिफुल था, सीनिकली ब्यूटिफुल ड्राइव था, काफी एंजॉय किया, काफी एंजॉय किया, बहुत मजा आया, और प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक है। तो चलिए फटाफट इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट मिस आउट टू सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब टू आर चैनल, शो अस योर लव एंड सपोर्ट। एंड तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खूब सारा ध्यान रखिए, एंड मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में जल्दी ही। बाय। सो काफी दिनों बाद हम जीप में बैठ रहे, ऑल्सो नोन एज हैंगिंग ब्रिज।